कर लोगे, ये वो टॉपिक है, जैसे आप कर लोगे तो आपका रिजल्ट 80 में से, 80 तो नहीं बोलूंगा क्योंकि उसके थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, हाँ 75 तक तो चला जाएगा। आप बस इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक, सांख्यिकी की सीमा। तो आप इस क्वेश्चन को 3 से 4 नंबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत पाठक और मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, कुछ लोग कमेंट में लगातार बोल रहे थे कि सर मिड टर्म का एग्जाम आ गया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाए। तो हमने सोचा कि ठीक है, आपके लिए कुछ खतरनाक से टॉपिक्स लेके आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप देख भी रहे होंगे कि इन्हें करके मचा दो तबाही। मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसे आप कर लोगे, ये वो टॉपिक है जिसे आप कर लोगे तो आपका रिजल्ट 80 में से, 80 तो नहीं बोलूंगा क्योंकि उसके लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, हाँ 75 तक तो चला जाएगा। आप बस इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो उन लोगों के एग्जाम में ये क्लास 12th के लिए है, और तो क्लास 12th के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके स्टेट बोर्ड में माइक्रो है, और क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मैं 17-18 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो लगातार पिछले कुछ सालों से मैं नोटिस कर रहा हूं कि इन्हीं टॉपिक्स में से घूम फिर के पेपर आता है, ठीक है। तो बड़े लेवल पे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। एक बारी आओ, एक एक करके देख लो कि कौन सा टॉपिक है, कौन से चैप्टर में है, कितने नंबर का आ सकता है। तो आओ शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले स्टैटिक्स से शुरू करते हैं, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। स्टैटिक्स के देखो कौन कौन से टॉपिक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो चैप्टर पहले में जब आप जाओगे तो सांख्यिकी की विशेषता, महत्व और सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वाले बच्चों, फीचर, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, इनमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी की सीमा। तो आप इस क्वेश्चन को 3 से 4 नंबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगला बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। मेरे खुद के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन भी 3 to 4 मार्क्स के लिए ही जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक्स में ही आपका क्वेश्चन है जनगणना और प्रतिदर्श विधि में अंतर, मतलब कि डिफरेंस, सेंसस और सैंपलिंग मेथड का डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी आपके लिए 3 to 4 मार्क्स में जा सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप देखो इस तरीके से, आगे और भी कुछ क्वेश्चन से देखते जाओ। स्टैटिक्स और माइक्रो दोनों के टर्म 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए डाल दिए। देखो क्या है, एक अच्छी प्रश्नावली के प्रमुख गुण, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी जा सकता है। जो प्रश्नावली विधि है, क्वेश्चन अरे मेथड, तो क्वेश्चन अरे मेथड में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके अलावा व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि के गुण और दोष, जो आपका मेथड है पर्सनल इंटरव्यू मेथड, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आंकड़ों के वर्गीकरण की विभिन्न विधियां, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के जितने भी टाइप है, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ये 1 से 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, किसी भी मेथड का नाम पूछ लेंगे, कहेंगे एक्सप्लेन करो, ठीक है। जैसे एक मेथड है आपका समय अनुसार वर्गीकरण, स्थानीय वर्गीकरण जिसे भौगोलिक वर्गीकरण बोलते हैं, गुण के आधार पर वर्गीकरण, तो किसी का भी नाम दे देंगे, कहेंगे इसको एक्सप्लेन करो। उसके बाद ये प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का, डेटा का प्रेजेंटेशन, इस पे भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आसान पोर्शन है। सबसे बड़ी बात कि ये आसान है, क्लास 11th टर्म 1 को पास होने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखो आप, टेबुलाइजेशन मतलब सारणी के रूप में प्रस्तुतिकरण का एक क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर में। वृत्त चित्र जिसको आप पाई डायग्राम बोलते हो, 9वीं 10वीं के मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, इसका क्वेश्चन बन सकता है 3 से 4 मार्क्स का। दंड आरेख जिसे बार डायग्राम बोलते हैं, बार डायग्राम का आपका क्वेश्चन बन सकता है 3-4 नंबर का। उसके बाद आपका आयत चित्र जिसको आप हिस्टो डायग्राम बोलते हो, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर ले। ये तो मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं कि पाई डायग्राम, बार डायग्राम और हिस्टो डायग्राम, वृत्त आरेख, दंड आरेख और आयत चित्र, ये पक्का क्वेश्चन होता है। इसमें से कोई ना कोई 1 या 2 आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के आएंगे, क्योंकि डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, और 3-4 नंबर का ही आएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट करते जाओ आप सबका, ठीक है। अगला है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मीन से भी, मीडियन से भी और मॉड से भी, तीनों से ही, मीन से भी,
मीडियन और मोड, माध्य माध्यिका बहुलक, तीनों से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, मेथड का नाम लिखा नहीं आएगा मीन में, ध्यान रखना, बहुत कम चांस है, सीधा क्वेश्चन लिखा आएगा, कहेगा इसका माध्य ज्ञात करो, मतलब कि मीन निकालो। मीडियन में सीधा एक ही मेथड होता है, आपको पता ही है। मोड में भी सिंपल क्वेश्चन आएगा, और जिनका प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये है कि इसमें ग्रुपिंग मेथड, सामूहिकरण विधि है, वो क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा एक चीज और आप कर लेना, पक्का थ्योरी क्वेश्चन है, मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों मेथड के गुण और अवगुण, मेरिट्स और डिमेरिट्स जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक वन मार्कर थ्योरी क्वेश्चन और है, आपको पता होना चाहिए कि जो माध्य होता है, जिसे मीन आप कहते हो, इसको हम ग्राफ द्वारा नहीं दर्शा सकते हैं, और जो माध्यिका है इसको ग्राफ द्वारा दर्शा सकते हैं। इसमें लेस देन मोर देन ओजाइव, से कम से अधिक ओजाइव का ग्राफ बनता है, मैं आपको वीडियो में सिखा दूंगा आगे। और जो मोड होता है बहुलक, उसको भी आप ग्राफ द्वारा दर्शा सकते हो, उसमें आपको बार डायग्राम बनाना, सॉरी बार डायग्राम नहीं, आपको जो है हिस्टो डायग्राम बनाना पड़ता है, जिसे आप आयत चित्र कहते हो, और उसकी मदद से ये बनता है। कहने का साफ मतलब ये कि इसको ग्राफ से नहीं निकाल सकते हैं, इन दोनों को ग्राफ से निकाल सकते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप माइक्रो की बात करते हो, तो माइक्रो में आप सबको पता है कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि भाई माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है, समष्टि और व्यष्टि में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या, और केंद्र समस्या में भी पहले वाली सेंट्रल प्रॉब्लम में भी कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम, फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीसी, पीपीसी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्पादन संभावना वक्र, और इसमें उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं आप जरूर पढ़े, दो विशेषताएं हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप इधर आ जाओ, उपयोग उपभोक्ता संतुलन वाले में, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, मतलब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों में अंतर जो है, जो संबंध है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद उपभोक्ता संतुलन की प्रमुख शर्तें मैं आपको बता दूं, चाहे वो एक वस्तु मार्शल हो, जिसमें आप बोलते हो Px बराबर MUx, चाहे वो दो वस्तु में मार्शल हो, जिसमें आप बोलते हो MUx अपॉन Px बराबर MUy अपॉन Py, या फिर वो हिक्स की अवधारणा हो, जिसमें आप बोलते हो MRS बराबर Px अपॉन Py, तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ना कुछ, और ज्यादा चांस इसके और इसके हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, और 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो। उसके अलावा 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आईसी वक्र की विशेषताएं, इंडिफरेंस कर्व, जिसे आप अनाधिमान वक्र भी कहते हो, उसकी विशेषता 6 मार्क्स में आ सकती है, 2-3 विशेषताएं आपसे पूछ लेंगे। उसके अलावा घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसको हम LDMU कहते हैं, ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। इसके अलावा अगर आप देखो तो डिमांड वाले चैप्टर में मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन भाई एग्जाम में 6 मार्क्स का भी बन सकता है, बाकी 3-4 का भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है, मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र पे खिसकाव, जिसको आप, ये बेटा खिसकाव है, जिसको आप मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या फिर शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व कहते हो, इसमें से कुछ भी आएगा, या तो मूवमेंट पूछेंगे या शिफ्ट पूछेंगे, ठीक है। उसके अलावा 3 नंबर के लिए और कभी कभी 1 नंबर में भी आपसे प्रतिस्थापक और पूरक वस्तु, जिसको आप सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हो, इसके बारे में डिफरेंस पूछते हैं तो 3 नंबर में, एग्जाम्पल पूछते हैं, परिभाषा पूछते हैं तो 1 नंबर में। उसके अलावा सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, तो इसमें भी सेम इसकी तरह डिफरेंस पूछेंगे तो 3 नंबर, कोई उदाहरण या परिभाषा पूछेंगे तो 1 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्क्रीनशॉट करते रहिए आप। उसके बाद बेटा क्या है आपके पास, देखो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अफेक्टेड होता है, ये थ्योरी क्वेश्चन है 3 नंबर का। और बेटा इस चैप्टर में 1 सवाल वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको मांग की लोच निकालना पड़ेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना पड़ेगा, 3 से 4 नंबर का पक्का क्वेश्चन होता है। उसके अलावा फिर अगले चैप्टर में परिवर्ती अनुपात का नियम, जिसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन LVP के नाम से जानते हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम का फिक्स क्वेश्चन होता है 6 नंबर का, ठीक है। उसके अलावा PP और MP के बीच संबंध,
रिलेशन बिटवीन टीपी एमपी 3 नंबर में आपका बन सकता है, और एपी और एमपी में संबंध भी आपका 3 नंबर में बन सकता है। तो ये वो टोटल टॉपिक है जिसको अगर आप कर लोगे तो मैं सच बोलूं, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि 75 तक 80 में से, लेकिन ये सच है कि अगर आप इसे अच्छे से पढ़ के चले जाओगे ना तो आप 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हो। आप कोशिश करोगे तो 80 में से 80 भी सिर्फ इतने टॉपिक से ही बन जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, बाय, और इसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता दो, ठीक है, सबको दिखा दो ये वीडियो ताकि सबके अच्छे नंबर आए, यही हमारा टारगेट भी है और इसलिए मैं रोशन से जुड़ा भी हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।